गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास एट आपको चैप्टर फाइव में कल यानी प्रीवियस वाले वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज को करा दिया गया। हम होप करते हैं कि सारे स्टूडेंट उस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज हम देख रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज, तो उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एट द फ्लोइंग पोलोनोमियल्स, जो पोलोनोमियल्स के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है, कि उसको कैसे हम ऐड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, यदि ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, ए नंबर में है 8x² प्लस 2x माइनस 12x² 12x² कॉमा दिया गया है यहाँ पे एंड नाइन एक्स माइनस 3x², ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन ऐड करना है हमको 8x² प्लस 2x, यहाँ पे कॉमा दिया गया है, तो ये ऐड करने के लिए कौन सा साइन होता है, प्लस, यहाँ पे माइनस साइन है 12x² प्लस 9x माइनस 3x², ठीक। हमने इसको प्लस क्यों दिया, क्योंकि हमको ऐड करना है, यहाँ पे भी एंड है, प्लस किस लिए दिया, क्योंकि इसको ऐड करना है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एट द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसलिए ऐड का साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया इम्प्लाइज। अब देखते हैं 8x² प्लस 2x, प्लस और माइनस से मल्टीपल होगा, तो माइनस 12x² प्लस 9x माइनस 3x², इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है, तो लाइक टर्म को एक जैसा कर लेते हैं, तो पहले प्लस 9x है, 9x कर लिए, प्लस 2x कर लिए, तो x वाला लाइक टर्म हो गया ना एक जगह। अब यहाँ पे करते हैं 8x² माइनस 12x² माइनस 3x², ठीक, क्लियर, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे 9x और 2x मिलकर क्या हो जाएगा, 11x हो गया ना, और यहाँ पे 12 माइनस 12 है और माइनस 3 है, तो दो साइन सेम है, तो उसको ऐड कर देंगे, प्लस 8x² माइनस 15x², माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही प्रेजेंट कर देंगे, 11x और छोटा में से बड़ा घटाना है, देखिए दोनों का लाइक सेम टर्म है, लाइक टर्म है, x² x², तो 8 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। जाहिर सी बात है कि छोटा में से बड़ा को घटाते हैं तो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 7x², ठीक, यानी 11x और 8x² में से माइनस 15x² सबस्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा माइनस 7x² बचेगा। तो इस तरीका से हम कोई भी यदि पोलोनोमियल्स है उसको हम आसानी से ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया, आपको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या किए, इस क्वेश्चन को लिख दिए, यहाँ पे कॉमा है तो इसलिए यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ डबल साइन है तो उसको ब्रैकेट में रख दिया गया, एंड है तो प्लस कर दिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे इसका प्लस माइनस का मल्टीपल हुआ तो माइनस हुआ 12x², फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह पे कर लेंगे, तो लाइक टर्म एक्स वाले एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, अब उसको जोड़ और घटा लेंगे, ऐड और सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीका से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी वन का डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। अब तो लग रहा है कि हमको बच्चे सबका सब क्लियर हो गया होगा कि पोलोमियल को किस तरीका से ऐड किया जाता है। तो डी नंबर क्वेश्चन है हमारा,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है। तो बड़ा इसे डरना नहीं है कि बड़ा है तो हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक बार उसका रूल को समझ लेना है और उसके आधार पे, उसी बेस पे आप कितने भी बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे पॉलीनोमियल्स दिया गया है उसको इजी वे में ऐड कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखते हैं सॉल्यूशन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों आया, क्योंकि ऐड करना है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा है तो यहाँ प्लस, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ठीक है, तो इसको तो हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको लाइक टर्म जो है उसको एक साथ रख देंगे। तो एल स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर एक जगह रख दिए। ठीक है, उसके बाद एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। कोई दिक्कत है, नहीं। तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस, देखिए इसका लाइक टर्म नहीं है तो उसको जस्ट का छोड़ देंगे, जो कहते हैं टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से कितना भी बड़ा पॉलीनोमियल्स होगा उसको इजी वे में हम ऐड कर लेंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी है, होप करते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो वन का डी तक क्वेश्चन है, इसको सारा आप घर पे बनाइए। ठीक, और दोबारा हम देख रहे हैं दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबस्ट्रैक्ट द फ्लोइंग पॉलीनोमियल, सबस्ट्रैक्ट द फ्लोइंग पॉलीनोमियल। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबस्ट्रैक्ट द फ्लोइंग पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स। तो इसमें बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस 2y प्लस z फ्रॉम x प्लस 4y माइनस 5z, कारण है सबस्ट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें से फ्रॉम मतलब से, यानी इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट कराना है। तो पहले स्टूडेंट को एकदम ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे ही फ्रॉम बोलता है तो उसको जो फ्रॉम वाले बाद वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्यूशन में पहले लिख देते हैं। इसे सॉल्व देखते हैं, इसका 3x माइनस 2y प्लस z फ्रॉम x प्लस 4y माइनस 5z।
तो सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम कर रहा है, तो फ्रॉम वाला जो है उसको राइट साइड या पहले उसको पहले लिखते हैं, एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव जेड। क्या करना है हमको, सबस्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा साइन क्या जाएगा माइनस का। क्या सबस्ट्रैक्ट करना है, इसको सबस्ट्रैक्ट करना है यानी इस पॉलिनोमियल को इसमें से सबस्ट्रैक्ट करना है। तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रख देंगे। क्यों ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब भी माइनस करना रहता है तो जो पॉलिनोमियल से उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि उसका साइन सारा चेंज हो जाता है। 3x माइनस 2y प्लस जेड। तो यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टीज आपको बताएगा था, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस, प्लस 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 होता है, और क्या माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए 4y माइनस 5z। देखिए यहाँ पे प्लस हाइट है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2y माइनस जेड। कोई दिक्कत। अब लाइक टर्म वाले को एक जगह रखते हैं, तो x माइनस 3x हो गया प्लस 4y माइनस सॉरी प्लस 2y यहाँ पे माइनस 5z माइनस जेड। इससे कोई दिक्कत है, तो x और 2x एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होता है हमारा सबस्ट्रैक्ट होगा ना। तो x माइनस 3x हो गया माइनस 2x, 4y या प्लस 2y 6y, ठीक है, और माइनस 5z और माइनस जेड इज इक्वल टू 6z, यह हमारा आंसर। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है, राइज करता है आपसे कि सबस्ट्रैक्ट द फ्लोइंग क्वेश्चन 3x माइनस 2y प्लस जेड फ्रॉम, फ्रॉम जैसे ही वर्ड आया तो फ्रॉम के बाद वाले जो पॉलिनोमियल्स है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए पहले लिखे है ना, अब हमको सबस्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। क्या घटाना है, क्या सबस्ट्रैक्ट करना है, तो इस पॉलिनोमियल को, तो इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। ब्रैकेट में इसलिए रखा गया कि इसके सारे साइन जो होते हैं माइनस से मल्टीपल होगा तो रिमूव हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इस तरह से लाइक टर्म वाले को एक जगह रख करके ऐड और सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपका ये भी हमको लग रहा है कि सारे बच्चों से ये बन जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। तो आपको एक बात बता रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री में नहीं सॉरी मेंसुरेशन में, कि स्क्वायर का पेरिमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरिमीटर क्या। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है, 4 × साइड। तो मेरा साइड कितना दिया गया है, 4x³ माइनस 19x प्लस 7, ये मेरा है ना साइड। अब इसको आपस में मल्टीपल करा लेंगे, जो रिजल्ट वैल्यू आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 16x³ माइनस 4, तो इस तरीका से यहाँ पे 4 से मल्टीपल हुआ तो 16x³, और यहाँ पे 19 में 4 से तो 76x प्लस 28, यह हमारा पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 3 नंबर भी बन गया। देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना, देखिए दूसरे टॉपिक है इसको बता दे रहे हैं। देखिए आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको समझने के लिए थोड़ा हम इसमें लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही हम LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं कोई भी डिजिट को या कोई भी पॉलिनोमियल्स को, तो उसके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड 3x माइनस 5y प्लस 2z टू गेट इतना, माने 3x माइनस 5y माइनस 5y प्लस 2z में क्या जोड़े कि हमको 2y प्लस 5x माइनस 7z प्राप्त हो जाए। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व देखते हैं,
यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर शुड बी एडेड के, के क्यों मानेंगे, क्योंकि सब एक्स वाई में वेरिएबल है तो इसको हम के मान लिए, तो किस में के जोड़ेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू जेड में हम के ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मिल रहा है, टू वाई प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन जेड, कह रहे हैं कि थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू जेड में क्या जोड़े, तो हम मान लिए कि के जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, टू वाई प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन जेड, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा लीनियर इक्वेशन के हेल्प से इसको हम अच्छे से इस बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए इसको इस तरीका से हम बना रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे के रख दे रहे हैं और पूरे पॉलिनोमियल्स को एल एच एस से उठा करके हम राइट आर एच एस की तरफ ले जा रहे हैं, या इजकल टू का साइन है, ठीक है, तो के इजकल टू यहाँ पे टू वाई प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन जेड, ठीक है, और यहाँ पे पूरा आएगा तो यहाँ पे क्या बोले साइन चेंज हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू जेड, इससे कोई दिक्कत, क्या किया हम पूरा पॉलिनोमियल्स को यहाँ रख दिए, यहाँ जब जाता है हम बोले एल एच एस से आर एच एस की तरफ तो वो साइन चेंज हो जाता है तो माइनस रख करके उसको ब्रैकेट में डाल दिए, कोई दिक्कत, तो के इज इक्वल टू टू वाई प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन जेड माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस से मल्टीपल होगा तो क्या होगा, प्लस फाइव वाई और माइनस टू जेड। अब क्या करेंगे, के इज इक्वल टू लाइक टर्म को एक साथ, फाइव एक्स और थ्री एक्स को एक साथ रख रहे हैं, फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स टू वाई प्लस फाइव वाई सेवन जेड माइनस टू जेड, यह जेड है तो फाइव एक्स में से थ्री एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, टू एक्स प्लस साइन वाला इंटीजर बड़ा है तो प्लस साइन रहेगा, फाइव प्लस टू वाई कितना हो जाएगा सेवन वाई, और सेवन और टू कितना होगा एट जेड, किसी को कोई परेशानी है, तो इस नंबर में हम इसको जोड़ेंगे तो हमको यह मिल जाएगा, ठीक है, देखिए थ्री एक्स में से टू एक्स को ऐड करेंगे तो मेरा फाइव एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस फाइव वाई में से सेवन वाई को ऐड करेंगे सेवन वाई को ऐड करेंगे फाइव में तो प्लस टू वाई हो गया, ठीक है, और टू जेड जो है या एट जेड में से टू जेड को ऐड करते हैं तो सिक्स आना चाहिए ना जी, सेवन जेड यहाँ पे टू जेड माइनस, देखिए सेवन और टू सॉरी यहाँ पे नाइन जेड होगा, क्लियर हो गया, नाइन जेड में से टू जेड को यदि सबस्ट्रैक्ट करते हैं ऐड कर तो क्या आ जाएगा मेरा सेवन जेड आ जाएगा, बात समझ में आया, तो हमारा यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, तो इस तरीका से जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसको आसानी से हम बना लेंगे। फाइव नंबर कहता है कि संध्या वेंट टू ए मार्केट टू बाई ए सम फ्रूट्स, संध्या मार्केट जाती है और कुछ फ्रूट्स को खरीदती है, सी बॉट एप्पल टू एक्स प्लस फोर रुपीज एंड ग्रेप्स इतना रुपीज ऑरेंज इतना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट सी हैज स्पेंट, तो टोटल अमाउंट स्पेंट बाई द संध्या टोटल को क्या कर देंगे, जो हमारा रुपीज में पॉलिनोमियल दिया गया उसको ऐड कर लेंगे, ऐड आपको सिखाया गया है इजी वे में इसको बन जाएगा। सेवन नंबर में कह रहा है, सिक्स नंबर में, ठीक है, व्हाट शुड बी टेकन फ्रॉम इतना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, सेवन नंबर देख रहे हैं, सेवन नंबर भी वही है तो फ्रॉम फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर टेक अवे, यानी टेक अवे मतलब इसमें से ले लिया जा रहा है,
6x³ - 2x² + 7x - 12 एंड फाइंड द आंसर। तो देखते हैं, एक सेवन नंबर आपको बता दे रहे हैं। देखिए फ्रॉम क्वेश्चन ये है, फ्रॉम 5x - 7x³ + 15x² टेक अवे 6x³ - 2x² + 7x - 12, ठीक है, एंड फाइंड द आंसर। तो आपको इसमें से इतना को ले लिया जा रहा है, तो हमारा क्या बचेगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5x - 7x³ + 15x² इसमें से क्या ले लिया जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो उस घटेगा ही ना, तो 6x³ - 2x² + 7x - 12। तो देख लीजिए, आपको क्या बोला जा रहा था कि इसमें से हम क्या लेंगे, तो लेने पे हमारा जो मेरे पास 100 रुपया है, यदि कोई ले रहा है तो मेरा कम ही होगा, इसलिए कम के लिए माइनस साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 5x - 7x³ + 15x² - 6x³ - - + 2x² - 7x + 12। कोई दिक्कत? अब लाइक टर्म वाले को एक जगह अरेंज कर लेंगे। मेरा लाइक टर्म क्या है, 5x - 7x - - sorry + 15x² + 2x², ठीक है, +2x² - 7x³ - 6x³ + 12, ठीक, x और x साथ में हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर एक साथ हो गया, क्यूब और क्यूब एक साथ हो गया, ठीक है, यह -7x³ है, यहाँ पे -6x³ है, +12 है तो +12 को छोड़ देंगे। अब इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x होगा ना, और यहाँ पे 17x² हो गया, और 7 और 6 13x³ + 12, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 7 भी कंप्लीट हो गया। 8 नंबर में भी कह रहा है कि लुवाना हैज ए रोप ऑफ लेंथ इतना एंड सुवरा हैज ए रोप ऑफ लेंथ 8 + 2a² - 11 मीटर इफ दे हैव ए कंबाइंड रोप। कंबाइन कर रहा है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 नंबर को इस पॉलिनोमियल को जो लेंथ मीटर में दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, तो दोनों पॉलिनोमियल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 नंबर भी बना लीजिए। तो आपका यह 6.2 खत्म हो रहा है, 6.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है, 6.3 6.3 में हमारा क्या है, देखिए मल्टीपल करना है मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से करा सकते हैं, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से करा सकते हैं। इस कंसेप्ट में आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में सिखाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लोइंग
फाइंड द फ्लोइंग। तो फाइंड द फ्लोइंग में ए नंबर क्वेश्चन है ए इंटू बी इंटू सी, तो इसका सॉल्व देखते हैं हम। ए इंटू बी इंटू सी, देखिए कोई लाइक टर्म एक जैसा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी। इसी तरह पे दो नंबर आपको क्लियर होगा ज़्यादा आसानी से, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाया गया है कि इसको जब मल्टीपल कराना होगा, इसका सॉल्व देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई में मल्टीपल कराएंगे तो एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ मल्टीपल कराते हैं। तो जब हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल यहाँ फॉलो करता है कि एक्स में एक्स स्क्वायर को मल्टीपल कराएंगे तो हमारा बेस सेम है तो पावर क्या आ जाता है, ऐड हो जाता है, यानी एक्स एक्स होगा और इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, फोर। फोर क्या हुआ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो टू में टू से भी मल्टीपल हुआ तो कितना हो जाएगा, फोर हो गया। तो एक्स के पावर फोर और वाई के पावर टू, वाई क्या है, वाई के पावर वन है और वाई के पावर वन है तो वाई के वन वन में मल्टीपल जोड़ करके क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो वन प्लस वन इजकल टू। ठीक है, तो इस तरीका से हम बी नंबर क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीका से यदि कोई भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है तो इसको आसानी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब देखिए टू में ऐसे ही करना है, टू का सी नंबर हम देखते हैं, टू का सी नंबर, टू का सी नंबर में कह रहा है 12AC इंटू माइनस 3BC इंटू 5AC। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखते हैं 12AC इंटू माइनस 3BC इंटू 5AC, कोई दिक्कत। तो हम पहले इसको लाइक टर्म वाले को मल्टीपल कराते हैं, 4AC इंटू 5AC। आप स्वतंत्र हैं, किसी को किसी से मल्टीपल करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर 2 इंटू 4 यदि मल्टीपल कराना है तो आप 3 में 2 से भी मल्टीपल करा देते हैं, जो इसका वैल्यू आएगा 4 मल्टीपल करा देंगे, नहीं तो 3 को 4 से भी मल्टीपल करा के 2 से मल्टीपल करा देंगे, नहीं तो 2 को 4 से मल्टीपल करा के 3 से मल्टीपल करा देंगे, आपका मर्जी। आप यहाँ पे फ्री हैं, किसी को किसी के साथ मल्टीपल करा सकते हैं। तो हम 12 5 या कितना हो जाएगा, 60 हो गया, और 60 ए में और ए से मल्टीपल हुआ था ए स्क्वायर, और सी में सी से मल्टीपल हुआ सी स्क्वायर उस पैटर्न पे इंटू माइनस 3BC। देखिए यहाँ पे प्लस 16 है और माइनस 3 है, तो 6 3 या कितना होता है 18, 0 है तो 0 रख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए नहीं है इसमें तो ए को रख देंगे, बी यहाँ पे नहीं है तो बी हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर में और सी से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर 2+1 इजकल टू सी के पावर क्यू, यहाँ सी के पावर क्यू। इस तरीका से हम क्या कर लेंगे, 2 का सी भी मेरा सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए 3 नंबर में यही करना है कि मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, तो मल्टीप्लाई द फ्लोइंग किसी को एक अपना आसानी से बना लीजिए, सेम इसी पैटर्न पे बनेगा, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं एक्स्ट्रा लगाना है आपको, इसी रूल पे आपको 3 नंबर भी बन जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर,
अच्छा देख लेते हैं, थ्री का एक एग्जांपल देख रहा है। मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, यहाँ पे हमारा कह रहा है कि मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग। तो मल्टीप्लाई द फ्लोइंग में आपको डी नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। सॉल्यूशन डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 12m² n^4। थ्री बाई फोर एम एन प्लस 2/6 m³ n। किसी को कोई परेशानी है, ये क्वेश्चन को लिखा गया है 3/4 एम एन प्लस 2/6 m³ n और 12m²n। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल कराते हैं और यह पुनः इसके साथ मल्टीपल हो जाता है। तो 12m²n^4 इंटू 3/4 एम एन हो गया, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, तो प्लस 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 होगा 12m² n^4 ठीक इंटू 2/6 m³ n। किसी कोई परेशानी, देखिए कटने वाला है ना तो इसको रिड्यूस करा देंगे, 4 3 जो कितना होता है 12, ठीक है 3 में 3 से मल्टीपल हुआ 9 हुआ और m² में m में मल्टीपल हुआ तो m³ हो गया, n² में n से मल्टीपल हुआ n^4 में तो n^5 हो गया और 3 3 = 9 m² में m से मल्टीपल कराएं तो m³ हो गया, n^4 है और n से मल्टीपल हुआ तो n^5। क्लियर, यहाँ पे प्लस आए हैं तो प्लस साइन रख दिए। अब देखिए तो 6 में और 12 को इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना 2 बार में। अब यहाँ पे m^2 और 2 से मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ मेरा 4 हो गया, m² को m³ से मल्टीपल कराया तो m³ कितना हो गया 5, n^4 है और n^1 है तो n^1 कितना हो गया 5। क्लियर, तो इस तरीका से हम कोई भी पॉलीनोमियल्स को आपस में मल्टीपल करा लेंगे। तो 3 नंबर भी आपका खत्म हो गया। अब लास्ट इस 6.3 का लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, थोड़ा इस पे एक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। 3 में आप एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आपको बता दिया गया डी नंबर, ए भी ऐसे ही बनेगा, सी भी ऐसे ही बनेगा, बी भी ऐसे ही बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई दोनों क्या है, बोथ आर सेम। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए इसका सॉल्व देखते हैं हम। सेम एक क्वेश्चन जैसे बन रहा है उसी पैटर्न पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यह देखिए 2 टर्म वाले पॉलीनोमियल है, इसको पहले रख दे रहे हैं, -15x + 3xy। देखिए इसमें कोई विशेष नहीं किया, इसको ऐसे लग जैसे 3 × 2 है तो 2 × 3 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो माइनस 15x प्लस 3xy मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। कोई दिक्कत? तो हम क्या इसको पहले इससे इसमें मल्टीपल करा लेते हैं, यानी टोटल में इस नंबर से मल्टीपल होगा। तो माइनस 15x को ऐसे लिख दिए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे प्लस 3xy है, प्लस क्या है हमारा 3xy है, प्लस 3xy को इसमें पूरा में मल्टीपल कराना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसमें इसमें मल्टीपल करा दे रहे हम, 5 3 जो कितना होता है 45। एक्स स्क्वायर में x से मल्टीपल होते हैं x की, 5 4 जब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 60। देखिए साइन पे भी ध्यान देना है, माइनस से मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ हमारा प्लस, 15 4 जब 60 हो गया, x है यहाँ पे वेरिएबल y है तो पावर डेडनिंग होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। x में y स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो हमारा वेरिएबल सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस 15 से इसमें प्लस 2 से मल्टीपल हुआ तो माइनस 30 रख दिए हम। अब x है यहाँ पे, x से मल्टीपल हुआ तो x स्क्वायर है, यहाँ y नहीं है तो यहाँ पे y, ठीक। अब देखते हैं इससे मल्टीपल करा रहे हैं, 3 में 3 से मल्टीपल कराएं 9 हो गया, x x स्क्वायर में और x से मल्टीपल हुआ एक्स क्यूब, y नहीं है यहाँ पे तो y यहाँ पे है तो y जस्ट जेब करते हैं इस पर रख दिए। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 3 जा कितना हो गया 12, एक्स नहीं है तो वाई वाई स्क्वायर से मल्टीपल हुआ तो वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पे प्लस प्लस से मल्टीपल हुआ प्लस हुआ, 3 2 जा 6 हो गया, एक्स में एक्स से मल्टीपल हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, वाई में वाई से मल्टीपल होगा वाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, तो 16x स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, 16x वाई स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो कहीं पे है एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 15x क्यूब है, यहाँ पे 9x क्यूब है, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 30x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे 12x क्यूब है, यहाँ पे 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों कोई भी लाइक टर्म नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। तो इस तरीका से हम फाइंड द प्रोडक्ट कर लेंगे। आपका टोटल क्वेश्चन 6.1, 6.2, 6.3 क्लियर कर दिया गया और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पहले इसको एक एक करके और सारे स्टूडेंट बुक को खरीद लीजिए। चलिए ठीक।